जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2611वां जन्मोत्सव 23 अप्रैल मंगलवार को परम पूज्य मुनिश्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में मनाया गया। मंगलवार सुबह भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक पूजा अर्चना कर समाज के बंगाली मल दनगसिया ने ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात भगवान महावीर स्वामी के विशाल शोभा यात्रा केसरगंज स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर से शुरू हुआ और जीसीए चौराहा, स्टेशन रोड, मदार गेट, चूड़ी बाजार, नया बाजार, कड़क्का चौक, दरगाह बाजार, नला बाजार होते हुए दोबारा केसरगंज जैन मंदिर पर सम्पन्न हुआ। प्रातः 7:30 बजे बंगाली मल जी दनगसिया द्वारा मंदिर जी के ऊपर ध्वज लगाकर झंडा फहराया गया। साथ ही महाराज श्री का पंगल सानिध्य उपाध्याय श्री 108 ज्ञान सागर जी का प्राप्त हो रहा है। यह भव्य शोभा यात्रा केसरगंज जैन मंदिर से विभिन्न मार्गों के होते हुए वापस पुनः केसरगंज जैन मंदिर पहुंचेगी। ये मंदिर कमेटी सभी शहरवासियों को महावीर जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। प्रथम बेला में श्री जी के अभिषेक पूजा अर्चना की गई, उसके पश्चात महाराज श्री मेला ग्राउंड से केसरगंज पधारे, महाराज श्री के प्रवचन हुए और उसके पश्चात इस कार्यक्रम की शुरुआत में ध्वजारोहण का कार्यक्रम श्रीमान बंगाली मल जी दंगसिया के हाथों से ध्वजा फहराई गई और रथ यात्रा प्रारंभ हुई। रथ यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस केसरगंज मंदिर पहुंची। केसरगंज मंदिर पहुंचने के बाद उस अभिषेक श्री के दोबारा अभिषेक हुए और मेरे साथ में काफ़ी लोग दिल्ली के, आगरा के, महाराज श्री का जो जयंती अजमेर वासियों ने जो बनाया और मुझे देख करके बहुत ही हर्ष हो रहा है। इतनी बड़ी लोक शोभा यात्रा महावीर जयंती पर मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखी है और मैं सभी अजमेर वासियों को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। यात्रा में जैन धर्म और भगवान महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित लगभग 51 झांकियां, श्रीजी स्वर्णमयी सफेद घोड़ों का रथ, कुचामनी रथ, एरावत हाथी घोड़े, बैलगाड़ी आदि सवारियां ढोल बाजे संगीत मंडली के साथ जुलूस की शोभा में चार चांद लगाती चल रही थी। जुलूस शोभा यात्रा का पूरे मार्ग में शीतल पेय, खाद्य पदार्थ और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। जुलूस में जैन समाज के श्री विद्यापूर्ण क्लब बाबू मोहल्ला केसरगंज, न्यू अरिहंत जूनियर क्लब, मुक्ति क्लब, न्यू ऋषभनाथ क्लब, अक्षत क्लब, न्यू सन्मति क्लब, न्यू जूनियर पार्श्वनाथ क्लब, हमड जैन समाज समिति, सिद्धार्थ क्लब सहित अन्य संस्थाओं द्वारा सजाई गई भिन्न भिन्न तरह की लगभग 51 झांकियां शोभा बढ़ाती चल रही थी। जुलूस के सेंडेंसलम स्कूल के सामने पहुंचने पर सर्वधर्म मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जुलूस में शामिल महाराज श्री सहित जैन समाज के प्रबुद्ध लोगों का आरती उतार कर स्वागत किया। वहीं भगवान महावीर स्वामी के विशाल जुलूस का दरगाह बाजार पहुंचने पर सूफी संत ख्वाजा के दर के बाहर मुस्लिम समाज और संस्थाओं द्वारा दस्तारबंदी कर स्वागत और अभिनंदन किया गया। दरगाह के गेट पर हर धर्म के द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस और शोभा यात्रा का पारंपरिक स्वागत करने की परंपरा चली आ रही है। खुद्दा में ख्वाजा की ओर से जैन समाज के लोगों का सम्मान और स्वागत किया गया। वहीं जैन समाज ने भी मुस्लिम समाज के लोगों को मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। आज महावीर जयंती के अवसर पर तमाम मुसलमान भाइयों ने खासतौर से खुद्दाम खारे साहब की जानिब से इस्तकबाल किया गया। अमन, शांति, भाईचारा जो खारे साहब का पैगाम है, विश्व शांति के लिए, अमन हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए दुआ की गई है। इसी तरह हम एक अच्छे माहौल के अंदर एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे हैं। जब ईद मिलादुन्नबी का जलसा निकलता है, हमारे जैनी भाई भी महावीर सर्कल के ऊपर सबका स्वागत करते हैं।
इससे एक ऐसा मैसेज जाता है दुनिया में अमन शांति जो इन पूर्वजों का इन बुजुर्गों का इनका संदेश रहा है वो पूरी आवाम के लिए एक अच्छा संदेश जाता है और भाईचारे का मोहब्बत का पैगाम जाता है, अहिंसा का पैगाम जाता है, आपस में मेलजोल मोहब्बत का पैगाम जाता है। यही दरबार ख्वाजा से हम आम लोगों को पैगाम देना चाहते हैं जो ख्वाजा साहब का पैगाम है। दरगाह निजाम गेट पर हमारे मुस्लिम भाई और खादिमान लोग जिस तरीके से जैन समाज के इस जुलूस का स्वागत करते हैं, ये निश्चित रूप से हमारी इस गंगा जमनी जो हमारी संस्कृति रही है और ख्वाजा साहब के दर से जो एक एकता का पैगाम जाता है उसको हम चरितार्थ करते हैं, उनकी शिक्षाओं का हम यह अंगीकार करते हैं और ये एक अमन शांति का बहुत पैगाम है। मैं समूचे जैन समाज की ओर से हमारे मुस्लिम भाइयों का, हमारे खुद्दाम साहब का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि अजमेर में प्रसिद्ध है कि ये नगरी हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध फारसी सभी भाई यहाँ प्रेम से रहते हैं और सभी भाई प्रेम से त्यौहार मनाते हैं। हिंदू का त्यौहार मुस्लिम मनाते हैं, मुस्लिम का त्यौहार जैन मनाते हैं। ये इस अजमेर की संस्कृति है, उसी संस्कृति देने के आज़ादी के इतने वर्षों तक हम सब इतने प्यार से रहते हैं। जब भी महावीर जयंती का जुलूस निकलता है तब जब भी महावीर जयंती का जुलूस निकलता है मुस्लिम भाई स्वागत करते हैं और जब ईद मनाई जाती है तो जैन भाई, हिंदू भाई, सिख भाई सब मिलकर एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं। यही अजमेर की संस्कृति पहचान है, यही महावीर स्वामी का संदेश है, जियो और जीने दो। सकल श्वेतांबर जैन समाज की ओर से भगवान महावीर स्वामी की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम बीके कॉल नगर से श्री संघ की भूमि पर रक्तदान भी किया गया। समाज के अध्यक्ष धर्मेश जैन ने बताया कि सुबह नया बाजार चौपड़ से प्रभात फेरी निकाली गई, इसके बाद महावीर पांडाला में ध्वजारोहण किया गया, तत्पश्चात अभय मुनि के प्रवचन हुए। जानकारी देते हुए धर्मेश जैन ने बताया, अजमेर के जैन समाज में बहुत उत्साह है। एक तरफ दिगंबर समाज उसी उत्साह के साथ इसका आयोजन को मनाता है और यहाँ पर बीके कॉल नगर के इस स्थान पर अजमेर का सकल श्वेतांबर समाज इकट्ठा होकर भगवान महावीर की जयंती को मना रहा है। सवेरे से ही सवेरे 5 बजे से प्रभात फेरियों का क्रम चला पूरे क्षेत्र में अजमेर में और 11 बजे से यहाँ पर भगवान महावीर के जीवन चरित्र पर सारी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की जा रही है और भगवान महावीर को हम श्रद्धा और दिल से याद कर रहे हैं। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में महावीर इंटरनेशनल के तत्वावधान में बीके कॉल नगर में मंगलवार को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उत्साह और जोश दिखाते हुए 84 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। कैंप इंचार्ज वीर संजय जैन, प्रखर भारद्वाज, लोकेश कोठारी आदि ने रक्तदाताओं का आभार प्रदर्शित किया। रजत दीक्षा जयंती महोत्सव का समापन मंगलवार शाम गुरु भक्ति महाआरती और सामूहिक वात्सल्य भोज के साथ हो गया। इससे पूर्व मदार मेला ग्राउंड पर 25 युगलों द्वारा पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट और मंगल आरती का आयोजन भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन के आतिथ्य में किया गया। विनीत शाह बजाज ने 4 दिवसीय महोत्सव पर आयोजन की जानकारी देते हुए बताया, 108 ज्ञान सागर जी महाराज का 25वां रजत दीक्षा जयंती महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज ही के दिन पूज्य गुरु महाराज से मुनि दीक्षा ग्रहण की थी। आज का ये दिन गुरु को समर्पित किया जा रहा है। पूरे देश से जगह जगह से श्रद्धालु इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, अपने श्रद्धा के सुमन गुरुवर को अर्पित कर रहे हैं। 25 युगलों के द्वारा महाराज श्री का पाद प्रक्षालन किया गया, 25 जिनवाणी महाराज श्री को भेंट की गई। समस्त देशवासियों को मैं महावीर जयंती की पर्व की और आचार्य गुरुवर की जन्म दीक्षा जयंती की बधाई प्रेषित करता हूँ। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में सत्सत नमोस्तु करते हुए आज महाराज श्री का 25वां रजत जयंती दीक्षा महोत्सव मनाया गया, जिसमें पूरे देश से हजारों धर्म प्रेमी बंधुओं ने आकर के धर्म लाभ अर्जन किया और समस्त अजमेर जैन समाज ने भी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग देकर इस महामहोत्सव को, इस महायज्ञ को सफल बनाया। हम सब इस परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में यही भावना भाते हैं कि समस्त प्राणियों का कल्याण हो और यह जिस तरह भगवान महावीर स्वामी ने आज ही के दिन जन्म प्राप्त किया, जन्मदिन मनाया गया जाता है, उसी तरह पूज्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का आने वाले समय में कल्याणक के रूप में जन्मदिन मनाया जाए।
इससे पूर्व जैन संत उपाध्याय श्री ज्ञान सागर महाराज के दीक्षा रजत जयंती महोत्सव के दौरान नाकामदार मेला मैदान पर आयोजित कवि सम्मेलन में आए हुए कवियों ने समाज और राजनीति पर व्यंग और कटाक्ष करते हुए उपस्थित श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। कवि सम्मेलन में जयपुर से संजय चाला, दिल्ली से महेंद्र अजनबी, अलवर से विनीत चौहान, मथुरा से पूनम वर्मा, हाथरस से पदम अलबेला, दिल्ली से प्रवीण शुक्ल, हरिओम परमार जैसे ख्यातनाम कवियों ने देर रात तक राजनीति, भ्रष्टाचार, दुराचार सहित समाज के समसामयिक विषयों पर अपनी अपनी रचनाएं और कविताएं सुनाकर श्रोताओं की दाद बटोरी। वहीं बड़ौद से आए कवि हिमांशु जैन ने जैन धर्म पर लिखी अपनी रचना हिंसा और पाप से जो कोसों कोसों दूर रहे, ऐसे धर्मों में जैन धर्म एक नाम है, जियो और जीने दो का नारा जो लगा सके वो धर्म दुनिया में आज महान है, सुनाकर जैन समाज की जय जयकार कराई। विमल अनंत धर्म ही से शांति मिले जहां कुंथुवर है नाथ मल्ली नाथ निष्काम है मुनि सुब्रत नाथ नमी ने मियोर पारस प्रभु महावीर स्वामी कोटि कोटि प्रणाम है महावीर स्वामी कोटि कोटि प्रणाम है। और ज्ञान सागर गुरु तेरी महिमा अपार है भक्तों को मिला तेरा कोटि कोटि प्यार है। इस तरह का चर्या का साधु मैंने नहीं देखा। ज्ञान सागर गुरु तेरी महिमा अपार है भक्तों को मिला तेरा कोटि कोटि प्यार है तेरे चरणों की सदा धूली पाने को तो गुरु मेरे मन में मैं बोलूं चाहते अपार है तेरे इस त्याग और संयम को नमन करूं तेरे इस त्याग और संयम को नमन करूं तेरी इस प्रतिमा में सादगी अपार है और मेरी नगरी में तेरा चौमासा हो जाए कर मेरी नगरी में तेरा चौमासा हो जाए कर समझूं कि मेरी नगरी का उद्धार है समझूं कि मेरी